नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जो विलेज मशरूम पार्ट वन पार्ट टू दोनों वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अभी पार्ट थ्री, विलेज मशरूम पार्ट थ्री में अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ राय रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि जैसे मशरूम के लिए हम धान का जो स्ट्रॉ रहता है तो वो पानी में भिगो के फिर उसको हमने बेड डाला था जिसमें मशरूम की स्पॉन डाला था, और उसके बाद उसका मैंने बोला था कि 7 दिन तक तो आप ऐसा रख दीजिए, 7 दिन के बाद मैं आगे का प्रोसेस फिर आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखिए दोस्तों, आगे बने रहिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो ये देखिए मेरा फार्म, तो दोस्तों ये देखिए 7 दिन हो गया, तो 7 दिन के बाद हम उसको इस तरह से खोल देंगे। तो ये देखिए ये माइसेलियम हुआ है, इसको हम माइसेलियम बोलते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, माइसेलियम है। इस तरह से आपको पूरा बेड में माइसेलियम दिख रहा है। आज 7वां दिन है, मैंने उसको 21 तारीख को बेड डाला था। देखिए दोस्तों, तो मैं 12 बेड डाला था, 21 को ऊपर का 4 और बीच में 4 और नीचे 4, इस तरह। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये 12 बेड डाला था इस तारीख को, तो 7 दिन के बाद मैं ये पूरा खोल दिया। नीचे का 4 बेड, बीच का 4 बेड और ऊपर का 4 बेड। तो उसमें आपको देखा है कैसे माइसेलियम हुआ है, तो ये देखिए। अभी दोस्तों एक बात बताना, मैंने ये जो है ये माइसेलियम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर माइसेलियम नहीं आया तो आपका जितना माइसेलियम अच्छा आएगा आपका मशरूम प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा। तो इसमें आपको दिखेगा ये छोटा छोटा जो सफ़ेद सफ़ेद साबूदाना जैसा, ये देखिए, इसको बोलते हैं पिन हेड्स, जो मशरूम का
ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, वहाँ से शुरुआत हो, वहाँ से वो ग्रोथ होता है, वो धीरे 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 बड़ा होता है। दूसरे बेड को इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला, ये देखिए ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा उसका ग्रोथ भी हो गया है। ये देखिए तीसरी, देखिए ये इसमें भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा। जितना भी सफेद सफेद आपको दिख रहा है वो सारे मशरूम है। वो ये जो मशरूम है ये पेडिस्ट्रो बोलते हैं, ये आपको मार्केट में भी मिलते हैं, उसका ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे खेती करते हैं। चौथे हो गए, पांचवे भी दिखाएंगे आपको दोस्तों। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं उस दिन 12 बेड लिया था, डाला था। इसमें भी आया है, इसमें थोड़ा दोस्तों इसमें दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा कम आया है माइसिलियम, आप देखिए यहाँ थोड़ा और यहाँ थोड़ा आया है, और ये पर्सन में हो रहा है। तो उसको कई कई बेड में अगर नहीं आया माइसिलियम तो एक दो दिन के बाद और माइसिलियम बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो माइसिलियम में पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा रहेगा, जैसे इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा पानी के बूंदे दिखने को मिलेंगे। तो हम 7 डेज में खोलते हैं, इसमें का जो पानी रहता है वो सूख जाता है, और इसको माइसिलियम को ऑक्सीजन लगता है, जो पिन हेड्स है उसमें ऑक्सीजन लगना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा ढक के रहता है दिन भर 24 आवर्स ऐसा प्लास्टिक में ढक के रहता है। तो उसको आप 7 डेज के बाद उसका रूटीन चालू हो जाता है कि सुबह आप 1 घंटा ऐसे खोल दीजिए और शाम को भी 1 घंटा खोल दीजिए, जो कि आप सुबह दिन में मत खोलिएगा, अगर धूप रहेगा तो धूप अगर नहीं लगना चाहिए उसको। ऐसे तो हम बाहर करते नहीं, ऊपर कुछ तो डाल देते ग्रीन नेट वगैरह ऐसे, या सुबह आप 1 घंटे खोल दीजिए सुबह तो फ्रेश हवा उसको लगेगा। और तो बेड को तो मैं एक बाजू दिखाया, अभी आपको दूसरे बाजू भी दिखा देता हूँ। इस तरफ भी ऐसे माइसिलियम आया, तभी मैं आया, सातवें दिन से रोजाना ऐसा सुबह शाम एक एक घंटा प्लास्टिक खोल देने का, और 1 घंटे के बाद उसको फिर ऐसा प्लास्टिक ऐसा आपको दोस्तों करना पाना, 7 दिन से 7 दिन 8 दिन 12 दिन बाद, और 12 दिन से आप तब तक ये जो मशरूम है तब तक बड़ा हो जाएगा, तभी आप मशरूम निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरा वीडियो आगे का मेरा वीडियो देखिए जो पार्ट 4 में आएगा,
अभी पार्ट थ्री में मैं इतना दुख दिखाया आपको, अभी क्योंकि आगे का प्रोडक्शन हुआ नहीं तो मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। मैं सारे जितना भी बेड डाला हुआ हूँ आप देख सकते हैं सब, इसका तो 7 डेज हुआ नहीं, ये कल से होगा, तो ये सारे मैं इसे खोलने वाला हूँ। और जैसे उसका 12 दिन हो जाएगा तो मैं उस दिन आपको उसका भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो आप आगे देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आपका राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके आगे मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है यूट्यूब में। मैं गांव में जो भी करता हूँ मैं वीडियो शूट कर देता हूँ और डाल देता हूँ। तो आप देखिए मेरा अगले वीडियो को भी देखिए, और मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो पिछले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखिए। तो चलिए दोस्तों।